बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मेरे ठीक ही होंगे, ठीक ही होंगे, आपको भी हम सब। अच्छा, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, जो वीडियो है, इसका टाइटल है हाउ टू गेट फ्रेश प्रॉक्सीज फॉर स्क्रैप बॉक्स एंड हाउ टू फाइंड प्रॉक्सीज फॉर स्क्रैप बॉक्स। या दूसरी प्रोसेस से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, इसके जो बेसिक फंक्शंस हैं, जो ये बेसिक ट्यूटोरियल से उनके लिए जो स्टार्टर्स हैं, जस्ट के प्रोसेस क्या हैं, वो कैसे यूज़ की जाती हैं, ये उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। बाकी एक्सपर्ट्स वगैरह के लिए नहीं है, ये सिर्फ बेसिक्स न्यू बाइज के लिए जिन्होंने स्क्रैप बॉक्स को रन करना भी शुरू किया है। तो प्रोसेस बेसिकली हमारी अपनी जो एक आईपी होती है कंप्यूटर की, उसको हाइड करने के लिए होता है कि जब भी हम किसी साइट को विजिट करते हैं, गूगल को विजिट करते हैं, तो हम अपनी प्रॉक्सीज को अपने जो इंटरनेट पे जो हमारा कंप्यूटर का नाम होता है, जो हमारी रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर को, हम उसकी जो आइडेंटिटी होती है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एनआईसी नंबर होता है, वैसे हर कंप्यूटर का इंटरनेट का जो है प्रॉक्सी होती है कि फलानी प्रॉक्सी से फलाने कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो उसको चेंज करने का प्रॉक्सीज का जो है ये होता है फंक्शन, कि प्रॉक्सी उसको चेंज कर देती है। और प्रॉक्सी की नीड क्यों होती है? बेसिकली इसकी नीड बेसिकली ऐसे भी होती है कि जब हम अगर हम हार्वेस्ट का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं गूगल का, यानी अगर हम गूगल से काम ले रहे हैं, तो अगर हम एक ही आईपी से बार बार जाके गूगल पर काम करते हैं, तो गूगल को पता लग जाता है कि बंदा जो है अपने ऑफिशियल काम के लिए जो है गूगल को यूज कर रहा है, तो गूगल भी उसकी आईपी को ब्लॉक कर देता है। या अगर हम ब्लॉग कमेंटिंग के लिए अगर जो है इसको यूज़ करें, तो ब्लॉग्स के ऊपर ही जो है, ब्लॉग्स के यूआरएल्स के ऊपर ही जो है कई सॉफ्टवेयर्स और कई बॉट्स और गूगल्स के जो है कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रॉक्सी को डिटेक्ट कर लेती हैं। और अगर एक ही प्रॉक्सी बार बार कई ब्लॉग्स के ऊपर जाके दिन के अंदर जाके कमेंट कर रही हो, तो प्रॉक्सी ब्लैकलिस्टेड हो जाती है। तो इसलिए जो होता है, हमको फ्रेश प्रॉक्सीज चाहिए होती हैं स्क्रैप बॉक्स को यूज़ करने के लिए, अपने टास्क को पूरा करने के लिए, ताकि हम अपने फुटप्रिंट ना छोड़ सकें और हमारी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाए, और हमारे पास बहुत सारी प्रॉक्सीज हों, बहुत सारे नाम हों ऐसे प्रॉक्सीज के, फ्रेश प्रॉक्सीज के, जो हम यूज़ कर सकें इंटरनेट के ऊपर। तो अब स्क्रैप बॉक्स के अंदर जो है दो तरह के फीचर होते हैं, एक तो ये होता है कि आप इसमें पेड प्रॉक्सीज भी यूज़ कर सकते हैं, एक होता है फ्री प्रॉक्सीज भी यूज़ कर सकते हैं। पेड प्रॉक्सीज वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेड प्रॉक्सीज ले लीजिए, यहाँ से आप मैनेज का बटन दबा सकते हैं और यहाँ से आप फाइल लोड कर सकते हैं, अपनी फाइल को, जो भी आपकी पेड प्रॉक्सी की फाइल है आप उसको लोड कर सकते हैं। आप लोड कर लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से आके आप उसको सेव कर लेंगे, सेव ऑल टू स्क्रैप बॉक्स लिस्ट, जब आप कर लेंगे तो आपकी पेड प्रॉक्सीज यहाँ पर आ जाएंगी। और एक होता है कि फ्री प्रॉक्सीज, जो मेजोरिटी यूजर्स प्रेफर करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेड प्रॉक्सीज को, क्योंकि वो फ्री प्रॉक्सीज को फाइंड करते हैं। अब फ्री प्रॉक्सीज को फाइंड कैसे किया जाए स्क्रैप बॉक्स के थ्रू, कैसे हार्वेस्ट किया जाए, तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। ये स्क्रैप बॉक्स आप सबके सामने खुला हुआ है, इसके अंदर हम इसके मैनेज के ऑप्शन के अंदर जाएंगे, और मैनेज के अंदर ऑप्शन के अंदर ये फुटर के अंदर आपको बहुत सारे इसके फंक्शन नजर आ रहे होंगे। इन्हीं के अंदर एक होता है ऑप्शन हार्वेस्ट प्रॉक्सीज, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इनको डिफरेंट सोर्सेज दिखाते हैं कि आपने प्रॉक्सी को कहाँ कहाँ से हार्वेस्ट करना है, जो इसके बिल्ट इन सोर्सेज हैं, जो स्क्रैप बॉक्स वाले अपडेट करते रहते हैं ऑटोमेटिकली, जहाँ पे फ्री प्रॉक्सीज अवेलेबल होती हैं। अगर आप सबको सिलेक्ट कर लेते हो और स्टार्ट का बटन दबा देते हो, तो ये सारी सोर्सेज जो है ना, जो फ्री प्रॉक्सीज है, उनको हार्वेस्ट करके जो है ना हमारी लिस्ट के अंदर ले आएगा, ताकि हम उनको टेस्ट कर सकें। जो अलाइव प्रॉक्सीज हैं, जो वर्किंग प्रॉक्सीज हैं, जो अच्छा काम कर सकती हैं, ताकि हम उनको रख सकें, बुरी प्रॉक्सीज को जो रिमूव कर सकें। इसके अलावा जो हम इसमें मैनुअल सोर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैनुअल सोर्स ऐड करने का मकसद यही होता है कि अगर हमको कोई ऐसी वेबसाइट मालूम है, कोई ऐसा ब्लॉग मालूम है जो स्क्रैप बॉक्स की सोर्स में नहीं है, या हम स्क्रैप बॉक्स की सोर्स यूज़ नहीं कर सकते करना चाहते, और हमारे पास अपनी वेबसाइट की लिस्ट है, जो मैं इंशाल्लाह ताला आपको अभी कुछ वेबसाइट बता भी दूंगा, उनको फाइंड करने के तरीके भी बता दूंगा, आप उन सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं फ्रेश प्रॉक्सीज को फाइंड करने के लिए, जो फास्ट और बेस्ट वे होगा, जिसमें आपको ले से कम मतलब प्रॉक्सीज रिफाइन करनी पड़ेंगी, आपका टाइम कम खर्च होगा। तो आप इन लिस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं हार्वेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली अभी मैं सारी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, हार्वेस्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये
हजारों की तादाद के अंदर जो है ना प्रोक्सीज को लेके आ जाएगा, फ्रेश प्रोक्सीज जो एनोनोमी मतलब कि जो आम ब्लग कमेंटिंग के लिए भी है, एनोनोमस प्रोक्सीज जैसे कहा जाता है, और गूगल के लिए भी है कि गूगल को हार्वेस्ट करना है तो गूगल पे भी हम यूज कर सकते हैं, सारी इनमें मिक्स है, लेकिन इनमें डेड प्रोक्सीज ज्यादा होते हैं क्योंकि ये एक जनरल सोर्स है और सारे के सारे जो है इसी को यूज कर रहे होते हैं। मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्वेस्ट सोर्स होते हैं प्रोक्सीज, तो जब ये फिर प्रोक्सीज हमारे पास आ जाती हैं तो हम इसको अप्लाई का बटन दबा देते हैं यहाँ से, ताकि यहाँ पे ये आ जाए हमारे पास स्क्रैप बॉक्स के अंदर अवेलेबल आ जाए। और जब ये अवेलेबल हो जाती है हमारी, आपने देखा होगा कि मेरी मैनुअल सोर्स अभी 75 प्रोक्सीज आ चुकी हैं, तो ऐसी प्रोक्सीज के जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा तेज़ी से जो है डिफाइन कर सकते हैं, हम उनमें से ज़्यादा जो है अच्छी टेस्ट प्रोक्सीज जो है वो फाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने सब सिलेक्ट किए ताकि आपको पता लग जाए कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। ये भी स्क्रैप हो रहा है, हम देखते हैं कि ये अप्लाई हो रहा है, ये जो अब अप्लाई हो चुकी है, जितनी भी प्रोक्सीज हैं सारी अभी स्क्रैप बॉक्स के अंदर आ रही है। तो जब सारी प्रोक्सीज आप स्क्रैप कर लेते हो, स्क्रैप बॉक्स की सोर्स है या अपनी सोर्सेज है, तो इसके बाद आप इनको चेक करते हो कि आया ये प्रोक्सीज काम भी कर रही हैं या डेड हो चुकी हैं। फ्री प्रोक्सीज में एक मसला ये होता है कि डेड बड़ी जल्दी हो जाती है, तो जितनी जल्दी आप इनको यूज़ कर लो डेली के डेली वो ज़्यादा अच्छा होता है। डेली के डेली कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो इनके लिस्ट को अपलोड करती हैं फ्रेश प्रोक्सीज को, तो आप वहाँ से भी लिस्ट ले सकते हो और यहाँ से जो है लोड कर सकते हो उस फाइल को बड़े आराम से, ताकि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। बहरहाल जब आपने हार्वेस्ट कर लिया तो यहाँ पे एक टेस्ट का फंक्शन आता है कि टेस्ट ऑल प्रोक्सीज, हम इसको दबा के इन सारी प्रोक्सीज को टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरह की प्रोक्सीज होती है, गूगल प्रोक्सी होती है जैसे मैंने आपको बताया था, और एक दूसरी प्रोक्सी होती है एनोनिमस। गूगल प्रोक्सी हमारे पास इसलिए होती है कि अगर हमें गूगल से आई पी आर के ब्लैक लिंक्स फाइंड करने हैं, यूआरएल्स फाइंड करने हैं, गूगल के थ्रू हमको काम करना है, गूगल के ऊपर जाके काम करना है, तो हम गूगल का टेस्ट करके जो है गूगल पास प्रोक्सीज भी फाइंड करते हैं। तो अगर हमें गूगल पे काम नहीं करना, हमें ब्लग कमेंटिंग काम करनी है, तो हम एनोनिमस प्रोक्सीज लेते थे कि जो अलाइव हो ब्लग कमेंटिंग के लिए, ब्लग दूसरे रिलेटेड टास्क करने के लिए जिनका गूगल से ताल्लुक ना हो, क्योंकि गूगल काफी ज्यादा प्रोक्सीज को जो है मॉनिटर करता है। तो हम इसको यहाँ से इस ऑप्शन से जो है हम यहाँ तक चेक कर सकते हैं। अगर आपको गूगल की प्रोक्सी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे चेक कर देंगे, आपको ब्लग कमेंटिंग की प्रोक्सीज मिल जाएंगे। अगर आपको गूगल टेस्ट चाहिए, गूगल के साथ काम करना है, तो यहाँ से चेक हटा देंगे। इसके अलावा इस स्क्रैप बॉक्स के अंदर एक और फंक्शन भी होता है कि जब हम इतनी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में प्रोक्सीज को स्क्रैप कर रहे होते हैं, तो बाद में हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, यहाँ पर कुछ और हो जाता है, मसला हो जाता है, नेट डीसी हो जाता है, तो प्रोक्सी जितने भी हमने रिफाइन किए होते हैं वो टास्क 20 में रह जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि से प्रोक्सीज ऑटोमेटिकली हर कितने सेकंड के बाद, हर 15 सेकंड के बाद या हर 10 सेकंड के बाद जो है जो फ्रेश प्रोक्सीज मिले स्क्रैप बॉक्स को हार्वेस्ट करते हुए, हम उसको फाइल का ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पे एक फाइल है ऑटो सेव प्रोक्सीज, हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो है वो इन प्रोक्सीज को रख दे, जो जो हमको लाइव प्रोक्सीज मिली वो इसके अंदर लाके सेव कर दे, फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं, तो अब हमारे पास ऑटोमेटिकली भी सेव होती जाएगी और यहाँ पर भी अवेलेबल रहेगी। तो अब मैंने गूगल के साथ जो है, मैं गूगल का भी टेस्ट स्किप कर रहा हूँ, गूगल पास प्रोक्सीज का, और मैं जस्ट हार्वेस्ट कर रहा हूँ एनोनिमस प्रोक्सीज। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, हार्वेस्ट तो हो चुकी है हमारी, अब मैं टेस्ट का ऑप्शन जा रहा हूँ, टेस्ट ऑल प्रोक्सीज के मैंने क्लिक कर दिया। और ये बेसिकली आप अपने सिस्टम और पीसी के हिसाब से जो है इसकी स्पीड को जो है रखते हैं स्क्रैप बॉक्स की, और इसके जो कनेक्शंस हैं जो आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, जैसे अभी हमारे पास जो है 200 के करीब कनेक्शन चल रहे हैं, क्योंकि हमारे वीपीएस की स्पीड है, हम 200 के करीब कनेक्शन जो है उठा सकते हैं, और हमारी इंटरनेट की स्पीड भी ऐसी है कि 200 थ्रेड ऑटोमेटिकली चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंगल पीसी का नेट है तो आप कम इसको थ्रेड को रखिएगा अपनी इंटरनेट स्पीड के साथ और अपने पीसी के स्पीड के साथ, जो मैं आपको इंशाल्लाह एडवांस ट्यूटोरियल्स में भी बताऊंगा कि क्या बेस्ट सेटिंग होती है करने के लिए। बहरहाल ये सारी की सारी प्रोक्सीज को टेस्ट करता जा रहा हूँ, यहाँ पे एनोनिमस प्रोक्सीज आप देख रहे हैं, हमारे को जो भी आती जा रही है लाइव, हमारे पास 37 मिल गई, 38 मिल गई, 39 मिल गई, 40 मिल गई, चेक करता जा रहा है 700 से ऊपर 800 के करीब प्रोक्सीज अभी ये चेक कर चुका है, टोटल 5878 प्रोक्सीज में से। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, बताने का आपका जो मकसद था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमको फ्रेश प्रोक्सीज मिल चुकी है एनोनिमस, जो ब्लग्स के ऊपर काम कर सकती है, ब्लग कमेंटिंग के काम आ सकती है। हमें यहाँ पे हमारे पास फिल्टर का बटन हो रहा है,
अब मैंने फिल्टर का बटन में क्या करना है, की प्रोक्सीज, अभी इतनी सारी प्रोक्सीज है जिसमें फेल भी मिक्स है, पास भी मिक्स है, हमें इनको फिल्टर करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश प्रोक्सीज चाहिए। तो मैंने फिल्टर कर दिया से फिल्टर प्रोक्सीज विद पास एनोनिमस टेस्ट, क्योंकि हमने ये प्रोक्सीज सेलेक्ट की थी, अभी हमारा प्रोक्सीज आ गई है, 51 प्रोक्सीज बची है। अब इन प्रोक्सीज को हम सेव भी कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास बड़ा सेव का ऑप्शन है कि हम इसको स्क्रैप बॉक्स की लिस्ट के अंदर भी सेव कर सकते हैं लाइव काम करना हो, और हमको हम इनको जो है फाइल के अंदर भी जो है सेव कर सकते हैं, ताकि हम इनको बाद में जो है यूज कर सकें। लाइक यहाँ पे मैं फाइल का नाम रख देता हूँ गूगल मैंने फाइल का नाम रख दिया और मैंने सेव कर दिया, और यहाँ से भी मैंने इसको क्लोज का बटन भी दबा सकता हूँ। तो ये हमारी सारी प्रोक्सीज जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, और हम इससे जो ब्लॉग कमेंटिंग के जो हमारे टास्क हैं वो कर सकते हैं, हमारे को फ्रेश प्रोक्सीज मिल गई है। इसके अलावा अगर हमें गूगल के ऊपर काम करना है तो हम दोबारा इसके अंदर जाएंगे, जो हमारा प्रोक्सी मैनेजर है, हम दोबारा इसके अंदर जाते हैं, हम इन्हीं प्रोक्सीज को जो है टेस्ट करते हैं लाइक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने टेस्ट लगा दिया, मैंने कहा गूगल की भी टेस्ट कर लो गया भाई गूगल पास प्रोक्सीज हैं या नहीं है, टेस्ट ऑल प्रोक्सीज मैंने किए। अब ये टेस्ट कर, अब ये नीचे इशू हो रहा है आपके पास कि गूगल पास प्रोक्सीज कौन कौन सी है। अभी गूगल के पास बहुत कम प्रोक्सीज होती हैं, और आप देख सकते हैं कि ब्लॉग के ऊपर अगर 50 से ऊपर प्रोक्सीज काम कर रही थी तो गूगल के ऊपर जस्ट 20 या 15 ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, जो गूगल से टास्क को जो है हमारे कंप्लीट कर सकती है। तो 51 प्रोक्सीज हमारी फिल्टर है, उसमें से हमको 13 गूगल की प्रोक्सीज मिली, तो इसको हमने स्टॉप कर दिया है। अब अगर हमें जस्ट गूगल के ऊपर काम करना है तो हम गूगल की प्रोक्सीज को सेव करेंगे स्क्रैप बॉक्स में, और अगर हमें ब्लॉग्स के ऊपर काम करना है तो मैं एनोनिमस से भी सेव कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया। अब मैं अगर गूगल से काम करना है तो मैं गूगल की प्रोक्सीज भी जो है मैं फाइल के अंदर सेव कर रहा हूँ, सेव प्रोक्सीज सेव, और पहले फिल्टर कर लेंगे इसको, की प्रोक्सीज विद पास गूगल कस्टम टैग्स, मैंने इसको फिल्टर किया, गूगल की प्रोक्सीज रह गई हमारे पास। अब हम इसको भी एक फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं, सेव ऑल प्रोक्सीज इनटू फाइल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल पास प्रोक्सीज ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया इस फाइल का, उसको मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे गूगल टेस्ट प्रोक्सीज आ गई है हमारे पास, और अगर बिलफर्ज अगर ये हमारे पास ना भी होती तो हम इसको लोड कर सकते हैं, ये लोड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम लोड के अंदर जाएंगे, जो भी हमने फाइल अभी सेव की है गूगल पास से 13 प्रोक्सीज जो हमारी थी, ये गूगल पास प्रोक्सीज आ गई। अब अगर हमें गूगल के ऊपर जाके हार्वेस्टिंग करनी है, या गूगल के ऊपर जाके हमको जो भी टास्क अंजाम देना है, ब्लॉग को फाइंड करना है, कीवर्ड को फाइंड करना है, कोई भी कीवर्ड लिख के अगर हम फाइंड करते हैं प्रोक्सीज, और हम इसको अगर हार्वेस्ट करते हैं तो हम गूगल पास प्रोक्सीज ही यूज़ करेंगे। लाइक हम हार्वेस्ट का बटन दबाते हैं तो हमारे पास हार्वेस्ट करने के लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सर्च इंजन प्रोवाइड करता है, खाली गूगल नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन गूगल से हमको ज़्यादा यूजर्स मिल जाते हैं, इसलिए हम गूगल को प्रेफर करते हैं। अगर हम सबको सिलेक्ट कर लें तो सारे सर्च इंजन से जाके जो है हमारे कीवर्ड के मुताबिक जो है यूजर्स को फेच करके ले आता है, लेकिन अभी हमने गूगल को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से प्रोक्सीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोक्सीज लोड फ्रॉम फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, और हमारी जो 13 प्रोक्सीज की फाइल थी हम वो यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर हमने ऑटो प्रोक्सी की ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था कि एक साथ हार्वेस्ट भी होता रहे और एक साथ हमारा ब्लॉग कमेंटिंग का भी काम चल रहा है, तो फिर हम प्रोक्सी की फाइल कौन सी यूज़ करेंगे, फिर हम ऑटो से एक प्रोक्सी की फाइल यूज़ करेंगे, यानी वहाँ पर हार्वेस्ट भी होती जा रही होगी एक साथ साथ, और यहाँ पर जो है यूज़ भी होती जा रही होगी। एनी हो ये आ जाता है, इसके बाद हम हार्वेस्ट का बटन दबा देते हैं, वो गूगल में जाकर हमारे कीवर्ड के साथ जो है हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और बहुत सारे जो यूआरएल्स वगैरह जितने भी उसको मिलते हैं वो यहाँ से फेच करके ले आता है, और इसको हमारे स्क्रैप बुक से अंदर जो दिखा देता है। इसके अलावा हम सारी सोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए, और यही करना चाहिए। अभी टाइम कम है, ये मैं आपको हार्वेस्टिंग का ऑप्शन जो है प्रोक्सीज के साथ बाद में बताऊँगा, अभी आपने प्रोक्सीज को हार्वेस्ट करना सीख लिया है और इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर इसको कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे इसको हम, तो बहरहाल जो भी हमने ऑप्शन यूज किए हैं प्रोक्सी को फाइंड करना सीख लिया, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगला इंशाल्लाह ट्यूटोरियल में हार्वेस्टिंग के ऊपर बताऊंगा कि कैसे जो है
हार्वेस्ट करना और कहाँ कहाँ से हार्वेस्ट करना और कैसे यूज करना इन प्रॉक्सीज को, ये आपको इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह।